और आप देख रहे हैं द चॉकलेट टाइम। मैं, मेरी टीम शेजी और शेजी के चीते करते हैं आपको एक दफा फिर खुशामदीद। और शेजी की देखा देखी हमारे चिकने घड़े ने भी सोचा है कि मैं ऐनक लगा कर आया करूंगा तो शायद मेरी बचत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि जो जो हमारे शो में मौजूद है वो आपको हंसाने के लिए हम तन गोश से हर वक्त आपके साथ मौजूद है। अच्छा जी, इसके साथ ही हम बढ़ते हैं। वैसे तो सभी खुशहाल नजर आ रहे हैं सिवाय शेजी के, लेकिन आजकल शेजी भी खुशहाल है क्योंकि जब से टीवी पर उसकी दोनों शादियों के चर्चे हुए हैं तब से दोनों घरों में बहुत अमन सुकून शांति है। इसको घी की चोपड़ी हुई रोटियां मिलती हैं दोनों घरों से। बेचारा सोच रहा है कि अब डाइटिंग शुरू कर दे क्योंकि घर से चोपड़ी हुई रोटियां और घी की तरी वाले सालन मिलना शुरू हो गए हैं। जनाबे वाला, अब बढ़ते हैं हम दिल तोड़ने की तरफ, मेरा मतलब ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तानी औरतों की ब्लैकमेलिंग से अल्लाह बचाए, यानी एक पाकिस्तानी औरत ने डाकुओं के आगे हाथ जोड़े तो वो पर्स वापस फेंक कर चले गए। ये हुई ना बात, यानी डाकुओं के सीने में भी दिल होता है। अच्छा जनाब, दूसरों की कामयाबी पर खुश होंगे तो हमें भी अल्लाह कामयाब कर ही देगा, ये कहना है अदील आदिल अमजद का। मैं जानती हूं सर ऐसा ही है, लेकिन क्या आप ये पहले नहीं जानते थे? पीटीवी अर्तुगरुल चला रहा है और पाकिस्तान में चल रहा है मिर्जापुर, ये कहना है फौजिया अमान का। बचपन में बहुत सी वीडियो गेम्स खेली हैं हमने, लेकिन पाकिस्तान में जो गेम चल रही है इसका कल्प्रिट सामने कब आएगा इसका इंतजार है, ये कहना है यासिर हुसैन का। यासिर, आप एक ही दफा सारे मुतनाज़े बयान क्यों नहीं दे देते? 11 साल की बच्ची धारा परवेज का IQ लेवल बहुत हाई है और जल्द ही वो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर लेंगी। दुनिया यहाँ से चांद पर और चांद से कहाँ कहाँ पहुंच गई, हम अभी इंजीनियरिंग की डिग्री ही ले रहे हैं। टीपू शाह को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला उनकी फिल्म इन फ्लेम्स की वजह से। 22 साल की एक लड़की ने अपने 48 साल टीचर से शादी कर ली, ये कोई नई कहानी तो नहीं है। 2023 has been very special because we welcomed our baby girl, ये कहना है आतिफ असलम का। Congratulations आतिफ। अरे भाई, लॉयल तो वो भी थी लेकिन कुत्ते जितनी नहीं, ये कहना है शावीर जाफरी का। शावीर, लगता है आप कॉन्ट्रोवर्सी से दूर नहीं रह सकते। नीलम मुनीर की नई ग्रीन सिल्क फैब्रिक के अंदर लगी हुई इंस्टा पोस्ट लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई, क्यों भाई फैंस? ये उनकी अपनी चॉइस है, वो क्या पहनना चाहती हैं क्या नहीं, और नीलम तो है ही ऐसी। जनाब, नेटिजंस को लगता है कि खुशहाल खान खटक और आर्यन खान एक दूसरे के डोपलगैंगर्स हैं। भाई मुझे ये समझ नहीं आती कि हम हमेशा अपना कंपैरिजन इंडियंस के साथ ही क्यों करते हैं, क्यों शेजी? जनाबे वाला, ब्रेकिंग न्यूज तो हो गई है खत्म, अब करेंगे मैं और आप दिल की बातें। मौसम बहुत गर्म है लेकिन अपने मिजाज को थोड़ा ठंडा रखें, जैसे शेजी ठंडा रखता है अपने मिजाज को। जूतियां भी पड़ी होती हैं फिर भी हंसता रहता है बेचारा, अभी भी हंस रहा है। पूरा पूरा का पूरा गैंग शेजी के चीते वो सब उस पर हंसते रहते हैं लेकिन दिमाग शेजी का ठंडा रहता है, क्यों शेजी? अब वक्त हुआ है मेरे पार्टनर्स इन क्राइम को बुलाने का। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी अलाइका। अरे अरे, कहाँ गायब बना मैंने? कहीं तो गायब थी, क्या कर रही थी? कोई नया प्रोजेक्ट कर रही हो? बस दुआ करें इंशाल्लाह। अरे लगता है कुछ पाइपलाइन में मौजूद है। जी जी। तो ये पता है हमारे मेहमान आने वाले हैं? बिल्कुल। तुम्हारा सेटअप रेडी है? बिल्कुल रेडी है। पहुंचो अपनी जगह पर क्योंकि अब वक्त हुआ है हमारी कपत्ती लड़की को बुलाने का। वो लड़की जो दिलों में आग लगाती है, लोगों की सारी खबरें बताती है। मैं बुलाने जा रही हूँ मोमिना चौधरी को। मैं ठीक ठाक, जल्दी से आ जाओ मुद्दे की बात पर। आज किसकी धज्जियां उड़ाने वाली हो? आज धज्जियों से पहले तो मैं आपको एक खबर दूंगी। हमने कुछ दिन पहले एक बात की थी, वी वर टॉक अबाउट
जन्नत मिर्जा एंड उमर बटना, तो उसके ऊपर काफी इंटरनेट वाज ऑन स्ट्रॉम दोस रेस के, अच्छा इस तरह बात कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी कल मैं एक न्यूज देख रही थी कि वो जो हम बात कर रहे थे, जो कि हमने बिल्कुल भी नेगेटिव सेंस में बात नहीं की थी, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पोर्ट्रेट कर दिया गया था कि नेगेटिव है या ये है या वो है। कौन सी बात, मुझे तो हमने एक बात की थी आपस में, आपको नहीं बताऊंगा इस बारे में, कि वो मर्सिडीज वाली बात, कि उमर ने मर्सिडीज ले ली थी और उसके ऊपर लोग कह रहे थे कि, लोग कह रहे थे जो कि जब सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप्स गए तो वो इस तरह से पोर्ट्रेट किया गया कि हम दोनों मजाक उड़ा रहे थे, हालांकि वो कहना लोगों का ही था कि इस तरह हो गया या उस तरह हो गया। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, उसी चीज को लेकर उमर भट्ट ने एक व्लॉग भी किया। अच्छा, और उसके बीच में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर वो मर्सिडीज बेच दी। अच्छा, उन्होंने वो मर्सिडीज बेच दी और उन्होंने कहा कि हमें लोगों ने बहुत तंग किया है। अच्छा, तो अगर उनको यही लगता है कि जन्नत के जाने के बाद मैंने वो मर्सिडीज खरीदी थी तो मैं मर्सिडीज ही बेच देता हूँ। अरे वाह, उन्होंने जाकर कहीं डेस्परेट अटेम्प्ट तो नहीं है जन्नत को वापस बुलाने की? अब इस बारे में तो हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, ये उनके दिल का हाल तो वही जानते हैं। नहीं, उन्होंने कोई इजहार किया है क्या? उन्होंने कोई इजहार नहीं किया, लेकिन उनके जो भाई अली इज अ व्लॉगर ऑन यूट्यूब, तो उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया, उसमें वो बोल रहे हैं, मतलब उमर ने नहीं ये बात बोली लेकिन अली उसमें व्लॉग में बोलते हैं कि आपने तंगी इतना किया उमर को कि उसने वो इस नहज पे पहुंच गया कि उसको अपनी मर्सिडीज बेचनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने कुछ पार्ट्स दिखाए कि वो जाता है और जाके उसको सेल कर देता मर्सिडीज को। भाई और क्या खबर है ये तो बताओ। और हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूज है वो है अबाउट द कंट्रोवर्सी क्वीन हानिया आमिर। हानिया आमिर ने दो चार दिन पहले एक बयान दिया अपने सोशल मीडिया पर, जिसके बीच में वो कहती हैं कि हर प्रेशर के बारे में हमारे माशरे में जिक्र किया जाता है लेकिन उस प्रेशर के बारे में कोई बात नहीं करता जो मैरिड सेलिब्रिटीज के ऊपर है काम का। मैरिड सेलिब्रिटीज पर? मैरिड सेलिब्रिटीज मतलब जैसे सारा है या जैसे सारा खान है या कोई और मैरिड सेलिब्रिटीज है, ऐमन खान है, आयजा है, ऐमन ने तो काम किया नहीं है उसके बाद, मानी और हिरा है, मतलब इतने सारे लोग हैं शादीशुदा कपल। इतराज मुझे यही था ना, मुझे भी और किसी भी देखने वाले को यही होगा कि इट्स नॉट अबाउट द प्रेशर ऑन मैरिड सेलिब्रिटीज। पहले तो वो शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, दे आर नॉट फोर्स्ड इनटू गेटिंग मैरिड। उसके बाद उनके ऊपर कोई ऐसा सच मेरे हिसाब से तो इतना कोई प्रेशर है नहीं। अच्छा। क्योंकि अगर प्रेशर की बात आती है तो आयजा से बेस्ट एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। सही बात है, आयजा ने तो बहुत अपना करियर बाद में स्टार्ट किया है, मतलब जितना टेक ऑफ किया है उसने बाद में किया है। और आयजा के बारे में तो इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े लोग और इतने सीनियर एक्टर्स भी कहते हैं कि हमने टाइम मैनेजमेंट जो है वो आयजा खान से सीखनी है, कि वो कैसे अपना टाइम मैनेज करती है, अपना घर, अपने वो ब्राइडल शूट्स कर रही होती हैं, वो ड्रामा कर रही होती हैं, वो बहुत सारे और इंस्टा पोस्ट्स कर रही होती हैं जिसमें वो इतनी कोलैबोरेशंस कर रही होती हैं, तो उसमें जाहिर है बच्चों को भी वो वक्त तो देती हैं। हाँ, और उनके उनके पास से हमने कभी भी ये बात नहीं सुनी कि वो कहें कि मेरे पे मैं मैरिड हूँ तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। हालांकि शी इज बैलेंसिंग एवरीथिंग इन अ वेरी गुड वे। देखो मोमिना, प्रेशर तो होता है वर्किंग मॉम्स के ऊपर, हमेशा ही प्रेशर होता है और गिल्ट भी होता है, लेकिन वो कम्प्लीटली, मैरिज इज नॉट अबाउट दैट और सेलिब्रिटीज इज ऑल्सो नॉट अबाउट दैट, कि वो सिर्फ प्रेशर ही लेते रहे। लेकिन आजकल इन्होंने, मतलब हमारे कुछ सेलिब्रिटीज ने, कुछ हमारे वैसे ही नॉर्मल सिटीजन ने इसके ऊपर एक बड़ा वो बना दिया है ना, एक इमेज क्रिएट कर दिया कि इफ वी आर मैरिड देन वी हैव अ प्रेशर, वी कांट वर्क। अगर एक बंदा मैरिड है तो उस पर बड़ा प्रेशर है, उसने अपना घर भी देखना है। हालांकि अगर वही सारा और फलक के ऊपर थोड़े दिनों पहले बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही थी कि फलक ने कहा कि उन्होंने उनके लिए हाउस हेल्प्स रखे हुए, और संडे को जब किसी ने पूछा कि संडे को क्या करते हैं आप लोग, संडे को तो नहीं आते, तो उन्होंने बोला मैंने संडे को एक और एक्स्ट्रा हेल्प रखी हुई है जो सारा के लिए आके काम करते हैं। तो वो देखा जाए तो उनके पास हाउस हेल्प्स हैं, उनके पास और तरह के लोग हैं, उनको मेरे ख्याल से इतने नॉर्मल वो वाले काम नहीं करने पड़ते जो नॉर्मल लोगों को करने पड़ते हैं। लेकिन अब मोमिना, अगर नॉर्मल काम करने भी पड़ जाए तो ऐसी कौन सी बात है? ये तो मुझे लगता है शादी से भागने का बहाना है। हाँ, तो मुझे भी यही लग रहा है कि हानिया शायद खुद शादी नहीं करना चाह रही, तो उन्होंने कह दिया। तो अगर हानिया इसलिए शादी नहीं करना चाह रही तो मैं तो उनको कहूंगी कि शादी करके देख ले, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं होता। मशवरे तो तुम ऐसे दे रही हो जैसे खुद भी शादी कर लिया तुमने। मैं अभी, मेरा टाइम नहीं आया ना, आएगा तो मैं लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मैं बहुत प्रेशर में हूँ और मेरे पे काम का प्रेशर है तो मैं शादी नहीं कर सकती और इस तरह की बात है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा अपना ही डिसीजन है ना कि मैंने शादी करनी है, तो फिर प्रेशर क्या नहीं है या है तो क्या फर्क पड़ता है। शादी करें ना करें यह आपका अपना जाती फैसला है, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं होता जो आपके शादी के फराइज के दरमियान हायल हो, खा आप फीमेल सेलिब्रिटी हैं या मेल सेलिब्रिटी हैं। हमने बहुत सारे मेल सेलिब्रिटीज़ को भी अपने बच्चों को वक्त देते देखा है और बहुत सारी फीमेल सेलिब्रिटीज़ को शादी होते हुए, इंडस्ट्री में काम करते हुए, अपनी फैमिली को और अपने काम को वक्त देते देखा है। क्यों लाएगा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि शादी तो देखिए हम दीन, आधा दीन है, बिल्कुल, तो वो तो कंपल्सरी है, करना चाहिए। और वैसे भी अल्लाह ताला ने तो औरत को बनाया ही ऐसे है, मल्टी टैलेंटेड,
तो वो तो हर चीज साथ साथ कर सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इतना हाइप क्रिएट करने वाली कोई बात है। तो आप प्रेशर होता है, ये होता है, वो होता है। आपको ये लग रहा है कि हानिया बिला वजह का प्रेशर ले रही है? प्रेशर तो फिर हम भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं। प्रेशर इज नॉट अबाउट गेटिंग मैरिड और नॉट। और जैसे आपने बात की कि आपने मेल एक्टर्स को भी देखा है काम करते हुए, इवन के जब सारा की बेटी हुई थी तो हम कितनी वीडियोज और कितना, अभी आधी चीजें तो वो सोशल मीडिया पे लगाते ही नहीं होंगे। हम देखते थे फलक उनकी बेटी का ख्याल सारा से ज्यादा रख रहे हैं और कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं जिसके ऊपर भी लोगों ने उनपे बड़ा क्रिटिसाइज उनको किया कि अच्छा आप तो मर्द हैं, आप क्यों कर रहे हैं और इस तरह की चीजें। लेकिन इट्स नॉट अबाउट प्रेशर। अगर आपकी शादी हो गई है और यू आर लिविंग इन अ हाउस और यू आर लिविंग इन अ प्लेस, तो वो दोनों तरफ से ही चीजें हो रही है ना, सपोर्ट है। तो मेरा ख्याल से जब आपका पार्टनर सपोर्टिव है तो इट्स नॉट अबाउट कि आप शादी करें तो आपके ऊपर प्रेशर है। आप कहीं मत जाइएगा, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। हुआ है मेरे मेहमानों को यहाँ बुलाने का। जानती हो लड़की आज हमारे मेहमान कौन है? आप ही, ये बम फोड़े। बिल्कुल, ये एक बॉम्ब है। और अगर ये कहा जाए 2012 से इन्होंने अपने करियर का आगाज किया, कोई ऐसा काम नहीं है जो इन्होंने नहीं किया। म्यूजिक पे अपना हाथ साफ किया, एक्टर हैं, मॉडल हैं, डायरेक्टोरियल डेब्यूज भी कर चुके हैं, डायरेक्शंस भी, अब तो प्रोडक्शन में भी उतर चुके हैं। मेरा ख्याल है छोटे मोटे प्लम्बर भी होंगे, घर के काम भी ठीक ठाक कर लेते हैं। मैं समझती हूँ कोई जिंदगी का ऐसा शोभा नहीं है जिसमें इन्होंने अपना हाथ साफ नहीं किया है। और अब उनके काम की तरफ आ जाएं तो हथेली, मोहब्बत, ख्वाब, सफर, बेचारी, नादिया, छोटी, वैशी, तोहमत, द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन अब विदाउट फर्दर अड्यू मैं बुलाने जा रही हूं तैफूर खान को। अब जाहिर है इतना हैंडसम लड़का बुलाया है तो एक खूबसूरत हसीना के आने का भी वक्त हो गया है। 2017 से अपने करियर का आगाज करने वाली ये लड़की मॉडल भी है, एक्ट्रेस भी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही हैं और भूल जाती हैं कि किस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। राज इनका ड्रामा है जो इस वक्त ए प्लस पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो समझ जाए, हम बात करें सम्या भट्ट की। वाह क्या बात है, इधर हुस्न है, इधर इश्क है, या अल्लाह हमें बचाए। आते ही साथ आप इतने खामोश होके बैठ गए, मोतबर बन के नहीं बैठ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने अंदर के मरासी को जगाएं। आप खामोश होने नहीं देती, मैं बिल्कुल खामोश नहीं रहने दूंगी आपको, क्योंकि उसको सुलाना फिर मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, हम उसको बिल्कुल आप जगा दें, आजकल जगाने का वक्त है, सब कुछ जाग रहा है। अच्छा जी, ये बताएं कि आप जब छोटे थे तैफूर, तब आपने सोच लिया था कि मैं बड़ा होके एक्टर बनूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या सोचा था? तो ये बस ऐसे ही बन गए हंसते खेलते? हाँ, honestly, acting हंसते खेलते। यार मुझे भी हंसते खेलते एक्टर बन गया, यार ये वाली कॉन्फिडेंस मुझे भी चाहिए। एक्टिंग वाज द लास्ट थिंग आई डिड। अच्छा। और मैं उस उम्र के हिस्से में एक्टर बना था जब लोग रिटायर होकर घर जा रहे होते हैं। अगर आप उस, यानी 2012 में आपने अपना करियर शुरू किया था। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जहाँ आज मैं बैठा हूँ ये मेरे लिए बड़े फखर की बात है कि सितारे के लिए भी मैं काम कर चुका हूँ। क्या बात। और जब मैं यहाँ काम करता था तो मुझे हर दूसरे दिन ऑफर आती थी कि ये कर ले, वो कर ले। अल्लाह बख्शे आसिफ अली पोता साहब होते थे, तो उन्होंने बहुत दफा मुझे कहा कि हमारे किसी ड्रामे में काम कर लो, मैं भागता था, मुझे काम अच्छा नहीं लगता था। सही। तो आपने अपना करियर शुरू कैसे किया? यहाँ पे क्या करते थे आप? एसी ठीक करते थे? नहीं, एसी मुझे ठीक करना था। मैंने जिंदगी में जो भी काम किया क्रेडिट बताऊं, यहाँ पे सीनियर प्रोड्यूसर था। अच्छा, मैं यहाँ पे काम करता था, प्रोडक्शन में करता, डायरेक्शन प्रोडक्शन करता था। ठीक है। और वही मेरा था, पर एक जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि मुझे लगा कि एक प्रोजेक्ट था जो कि हादसातन मैंने किया था। खुदा जमी से गया नहीं है, आईएसपीआर का प्रोजेक्ट था और वो काशिफ निसार उसको डायरेक्ट कर रहे थे, मेरे उस्ताद हैं।
तो उसमें मैं बेसिकली प्रोडक्शन कर रहा था उनकी, क्योंकि बड़ा मुश्किल था वो दमेली और वारसो और अफगान बॉर्डर और पता नहीं कहाँ कहाँ फैला हुआ था, जुलाई अगस्त का महीना था, बहुत बड़ी कास्ट थी। उसमें एक एक्टर था जो कि सेकंड लीड कर रहे थे, वो स्किप हो गए थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो उनके पास ऑप्शन नहीं थी कि अब क्या करें। अरे तो उन्होंने कहा यार हैंडसम लड़का प्रोडक्शन में मौजूद है, चलो यार तुम ही करो। हाँ, उन्होंने कहा यार, उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को रिलीज होना था और हम जुलाई में शूट कर रहे थे। उन्होंने कहा अगर हमने ये सब, उसमें हेलीकॉप्टर्स आए थे, उसमें टैंक्स आए थे और पता नहीं क्या क्या था, वो ना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। हाँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और नुमान एजाज एंड आयशा खान बहुत बड़े लोग थे, वो 3-4 चैनल्स पे चला था। उन्होंने कहा यार इससे करा लेते हैं। मैंने कहा यार मैं तो ये करूँ, उन्होंने कहा हम प्रोडक्शन देख लेंगे, आप ये करें। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, तो वो उसमें मेरे साथ थी इरम अख्तर, मेरे साथ थी और ये बहुत बड़ी कास्ट भूलने की बीमारी है इन्हें। हाँ, मुझे माफ करते हैं। अच्छा, इरम अख्तर थी तो मैं अपने बच्चे की क्लास भी भूल गए थे। तो मैं उसमें एक आर्मी का डॉक्टर बना था। अच्छा। और वो मेरी क्लीग होती हैं। अच्छा। तो वो मैंने फिर जब कर लिया तो मैंने हिसाब लगाया कि यार मैंने 30 दिन जंगलों में, धूप में, बारिश में, भूखे प्यासे सुबह 6 बजे उठ के प्रोडक्शन की है, और मैंने 7 दिन एक खूबसूरत लड़की के साथ रोमांस किया है, तो इसके पैसे ज्यादा हैं। इसके पैसे भी ज्यादा हैं, क्या मजा भी ज्यादा है, सारा टेक नोट्स फॉर दैट। तो मैंने उस दिन फिर डिसाइड किया कि एक्चुअली वो ये था कि उस वक्त एक्चुअली मैं हम लोगों ने कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया हुआ था, तो हमने कहा कि यार ये अच्छे पैसे आ रहे हैं यार, साल एक साल करते हैं फिर चले जाने, क्या फर्क पड़ता है, जॉब वॉब रहने दो। तो वो फिर काम इस तरह से बढ़ गया कि मिलता गया। 2 साल से ब्रेक पर है, इसके बारे में हम वापस आएंगे, लेकिन सामिया आप बताएं, आपने भी अपना करियर 2017 से शुरू किया है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आप रही हैं। भूलने की बीमारी आज मेरे दोनों गेस्ट को बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब मैं प्रोजेक्ट्स पूछ रही तो कहती है यार मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब कि अच्छा चले ये भी लेवल होना, ये वाला लेवल भी मुझे चाहिए कि मैं काम करके भूल जाऊँ, ओ मुझे याद नहीं आ रहा। तो सामिया बताइए आजकल कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? आजकल तो राज के अलावा, राज तो हमें सबको नजर आ रहा है, राज के शूट पे हम इतना बिजी है कि टाइम ही नहीं मिल रहा कुछ और करने का, लेकिन तो कमर्शियल्स की है मैंने इस दौरान। पहली बार है कि आप हॉरर कर रहे हो? जी ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, करेक्टर बहुत अच्छा है, एक्टिंग का मार्जिन था उसमें। तो बताओ फिर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे लिए खुशी की ये बात है कि फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें मैं मुझे वो करने का मौका मिला जो मैं करना चाहती थी। अच्छा, जो क्या करने का मौका मिल रहा है, मतलब क्या? एक्टिंग का मार्जिन था। अच्छा, उसमें पहले नहीं मिला एक्टिंग का मार्जिन? इतना ज्यादा नहीं था बस, क्योंकि सीधे सीधे डायरेक्टर्स के साथ इस लड़की ने काम किया है, इसको पहले एक्टिंग का मौका नहीं मिला, इसे मौका दिया है प्लस ने। वो एक जुनून जो होता है ना कि यार बस इतना सा काम, बस ऐसे करके चले जाओ। हॉरर है तो आपको पता है फिर उस पे सब कुछ दिखाया जाता है। बाल बाल बिखरा के, मेकअप बाल भी बिखरे हैं, आप बहुत अजीब अजीब सी शक्लें भी देखेंगे। मेकअप नहीं देखा हमने, एक्सप्रेशन ऐसे दिए हैं कि वाकई डर लगे। ओके, देखने वालों को पता चले यहाँ सच में डर लगा। यार डरोगे तुम लोग अगर तुम देखोगे तो। अच्छा जी, आपने भी बचपन में सोचा था कि आप बड़ी होके मैं बड़ी होके एक्ट्रेस बनूंगी? मम्मी बिल्कुल नहीं, और मैं हादसाती तौर पे तो मैं नहीं बनी हूँ एक्ट्रेस, यानी ये सोची समझी स्कीम के तहत एक्ट्रेस बनी है। जर्म्स थे। अच्छा, घर वाले क्या होता है जर्म्स जब होते हैं तो क्या महसूस होता है? कोई खुजली वुजली होती है? अदाएं और हो जाती हैं। क्या होता है? सॉरी, अदाएं और हो जाती हैं। हाय हाय, अदाएं तो जरा अदाएं तो दिखाएं ना जरा, वो वाली जो आपने अदाएं रखी हुई हैं एक्टिंग वाली, जरा वो किसको दिखाई फिर आपने? अम्मी अब्बू को दिखाई? अम्मी अब्बा से तो डांट ही पड़ती थी, भाइयों से भी डांट ही पड़ती थी, लेकिन कजन्स फ्रेंड सब अप्रिशिएट करते थे, नहीं नहीं तुम करो, कोई बात नहीं कर सकती। तो फिर किसने मशवरा दिया कि तुम एक्टिंग में उतर जाओ? मैंने स्टार्ट जब किया स्टिल शूट से किया, लेकिन कुछ दोस्त थे उन्होंने कहा एक्टिंग में ज्यादा मार्जिन है और तुम कर सकती हो, एक्टिंग में पैसे भी ज्यादा है। हां पैसे आ, नहीं भाई स्टिल शूट्स में बहुत पैसे आते, स्टिल शूट्स में भाई आजकल तो जितना पैसा इंस्टाग्राम में है और किसी, लेकिन मेरे लिए बेहतर यह हुआ कि मुझे कमर्शियल्स बहुत मिले, मैंने कमर्शियल्स बहुत किए हैं, ड्रामास बहुत किए, आपकी ट्रेनिंग हो गई ना सारी। वेरी गुड। अच्छा जनाब, ये बताएं कि आपका बचपन का कोई खिलौना जो आज भी आपके पास हो? अच्छा पता नहीं, मैं चीजों से इतना एसोसिएट होता ही नहीं हूं। अच्छा, आप चीजों से, नहीं, इंसानों नहीं से हो जाते? बहुत ज्यादा। अच्छा, इंसानों से ही होता हूं। तो इंसान कोई ऐसा है जो बहुत ही पुराना बचपन जब आपने होश संभाले? मेरे आज तक वही दोस्त हैं जो बचपन से मेरे दोस्त हैं, चाहे दोस्त आपने नहीं बनाए? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। हमने ये तो देखा है कि यू आर वेरी प्राइवेट। अब दोस्त वो रह भी नहीं गए ना,
अब तो सिर्फ दोस्ती है इंस्टाग्राम पर, नहीं अब दोस्ती होती है, आप एक सेट पर हैं, ऐसे लगता है कि ये अब आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, और अगले सेट पे जाते हैं तो पिछला याद ही नहीं होता, आप फोन ही नहीं उठाता, फोन ही उठाते या आप नहीं उठाते? नहीं मैं तो उठा लेता हूँ, मैं उठा लेता हूँ, लेकिन वो इतनी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा हो गया सब कुछ, जिंदगी इतनी बिजी हो गई है कि किसी के पास टाइम नहीं है, अब वक्त नहीं है साथ वाले के साथ बैठ कर अपने दिल की बातें करने का। हम लोग छोटे होते थे, छोटे होते थे तो हमें अच्छी तरह याद है, हम हमारी जो लेन है ना उसमें सब लड़के थे, हम तीन भाई थे, साथ वाले चार भाई थे, सामने दो भाई, इधर एक भाई, लड़के मुस्टंडे सारे, सही सारे बिल्कुल बकायदा मुस्टंडे, और रात को तीन तीन बजे तक गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, जीना आराम किया हुआ है, कोई पतंग उड़ा रहे हैं, वो टूट रही होंगी, हाँ हाँ चीजें टूटती थी, बड़ा होता था, गालियां पड़ती होंगी बहुत पड़ती थी, वो नहीं है, वो अब ना सब कुछ कम्युनिकेशन इतनी हो गई है कि आप किसी के साथ फोन पर ही इन टच होते हैं, और मजे की बात ये कि अब जो लोग इकट्ठे होते हैं वो सिर्फ टिकटॉक के लिए इकट्ठे होते हैं, यार टिकटॉक बनानी है तो चलो दिखा दे कि हम इकट्ठे होते हैं, टाइम स्पेंड करने के लिए बस, या एवरीथिंग इज ऑन द कैमरा, इज फॉर द कैमरा, इज फॉर द पीपल, नॉट फॉर देमसेल्फ्स। अच्छा आप बताएं, लड़कियां बहुत कीपसेक्स रखती हैं, कीपसेक्स होते हैं जिनको आप संभाल लेते हैं, यानी अपनी माजी की याद की तरह, तो कोई चीज ऐसी है जो आपने अपने बचपन की अभी भी संभाल के रखी? मेरा दिल खिलौना। ओ माय गॉड, क्या चीज़ी बात की है, लोग आते हैं खेल के चले जाते हैं, इसका मतलब आपने कभी इश्क नहीं किया? ऐसी बात नहीं है। कितने इश्क किए हैं आपने जिंदगी में? अब देखिए, चलिए तुम कान बंद कर लो, तो मत पूछे प्लीज। अच्छा चलो एक याद बता दो जो तुम्हें याद है, या जिसको तुम डिक्लेयर याद है, या तो सब याद है। अरे वाह, सभी याद है, वैसे सब भूल जाती है इश्क सारे। देखो लड़की वैसे सब भूल जाती, सबसे पहले इश्क भूल जाना चाहिए आपको, खुश रहना तो इश्क ही क्या जो भूल जाए, है ना। अच्छा तो बताओ, इश्क तो आपको जीना सिखाता है, आपको जिंदगी के आदाब आते हैं, आपको पता चलता है कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या जिंदगी क्या आप सीख ले रहे हो आपके या नहीं, ये भी इश्क ही बताता है क्या। बिल्कुल, तो इश्क संभाल के रखा हुआ है दिल में, दिल में दिल संभाल के रखा है बचपन से, और उसके अंदर वो इश्क सारे संभाल के रखे हैं हमारी लड़की ने। अच्छा जी, आप जब छोटे थे तो क्या गुंडागर्दी का तजुर्बा है, कभी गए हो डंडे शंडे लेके ऐसी की तैसी, कोई गैरत जागी हो आपके अंदर? गैरत ना भी जागे, फोन आया चल रात को जाना है किधर, बस पहुंच जाए, बस पहुंच गया, फिर तोड़ फोड़, फिर जो होता घर में आई कोई खबर के आपके लड़कों ने आज फलान जगह पे तोड़ फोड़ की है। हाँ, बहुत बहुत शिकायतें, मेरी तो इतनी शिकायतें आती थी कि मैं क्या अम्मा से जूते पड़ते थे, अब्बा से डंडे, दोनों से माशाल्लाह धुलाई बहुत कराई आपने, क्या बात है साले। लेकिन आप देखते में तो नहीं लग रहे, मैं बहुत शैतान हूं, गुंडागर्दी की है बहुत, मैंने लड़कों को मारा। एक एपिसोड ऐसा बता दें जिसमें आपने गुंडागर्दी की हो, लोग सोचते हैं कि इतनी सोनी कुड़ी है तो गुंडागर्दी करन आ रही है तो ये तो रोज ही होनी चाहिए। बहुत किए हैं, लेकिन डंडा लेके किसी का सर फाड़ दिया हो, डंडा लेके नहीं जूते के साथ, यहाँ से पकड़ के जूते के साथ, लड़के साथ, लड़के ने मेरे घर के बाहर लड़का था उसने कुछ शरारत की तो मैंने पकड़ लिया। आपने पकड़ लिया गिरेबान से यूं और जूती उतार ली, और उसके बाद क्या हुआ? छुड़ा के भाग गया बेचारा। अरे वाह, वो लड़का आप देख के सोचता होगा फला एक्ट्रेस ने मेरा गिरेवान पकड़ा था, मुझे हाथ लगाया था। आप भी रिमोट को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, स्टे विद अस। वक्त हुआ है हमारे हॉरर शो का। लड़की ये क्या है तैफूर? मुझे तो मिर्चें लग रही हैं। आपको मिर्चें लगनी भी शुरू हो गई है? नहीं, ये मुझे मिर्चें लग रही हैं। हाँ, ये आपको मिर्चें लग रही हैं। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? हाँ, तो ये क्या है बताओ? ये वो है जो अक्सर लग जाती है सबको। अक्सर लग जाती है सबको, सबको लग जाती है, जो उसका नाम है हरी मिर्च। और होगा क्या कि अब मैं पूछूंगी आपसे कुछ मुतनाज़े सवाल, और वो सवाल अगर आप जवाब ना दे पाए तो आपकी हरी मिर्चें आपके सामने होंगी। हमने पानी का इंतजाम किया है, मीठे का इंतजाम किया है, और चॉकलेट टाइम्स की मुनासिबत से चॉकलेट का इंतजाम किया है। हालात आजकल इस तरह के हैं कि किसी भी मुतनाज़े सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहिए, चुप करके मिर्ची खा लेनी चाहिए।
महफूर ये तो हर कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या टाइम्स आर नॉट राइट पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में टाइम है चॉकलेट का और है चॉकलेट टाइम्स और अब हम पूछने जा रहे हैं अपना पहला सवाल गेम आपको क्लियर है कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसे करने के बाद आपको अफसोस हुआ हो और कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको चांस भी मिले तो कभी नहीं करेंगे नाम लेके बताना है अच्छा ठीक है पहला सवाल क्या था कोई प्रोजेक्ट जो मुझे अफसोस वो प्रोजेक्ट जो आपको अफसोस हो कि मैंने क्यों किया मैं अभी एक मूवी करके आया हूं जो शुक्र है पूरी नहीं हुई तो मुझे शुक्र है उसका नाम बताना है आपने उसका नाम है टिकटॉकर्स इन यूके टिकटॉकर्स इन यूके अरे वाह ये फिल्म आपने नहीं करनी थी और शुक्र है नहीं हुई और वो पूरी नहीं बीच में रह गई बीच में रह गई पेमेंट मिल गई आपको हां मिल गई असल मसला पेमेंट का है तो तैफूर खान ने दिया है जवाब टिकटॉकर्स इन यूके जो फिल्म ये कर रहे थे वो नहीं बनी जनाब सामिया अगला सवाल मेरा आपसे है जी कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको मिल भी जाए तो तौबा कर लेंगी वो प्रोजेक्ट नहीं करेंगी वो कौन सा है नाम लेके बताएं अब मैं बताना ये चाहूंगी कि मेरा ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं नहीं अभी प्रेजेंट अगर जो प्रोजेक्ट्स आजकल चल रहे हैं उनमें आपको प्रोजेक्ट मिल भी जाए तो आप कभी नहीं करेंगी आपकी मुस्कुराहट से पता चल रहा है सामिया भट्ट कि आपके लबों पर एक नाम है जो बाहर निकलने को पुड़क रहा है लेकिन आप पुड़कने नहीं दे रही है नहीं बताएं मैं सच में बताती हूँ मुझे मेरा मेरे काम से इतना प्यार है मुझे कोई भी काम मिल जाए कोई भी करेक्टर मिल जाए मैं अपना 100% जिंदगी में आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया जिसका रिकॉर्डिंग मुझे दे दीजिएगा तो जिंदगी में आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया सामिया भट्ट जिसका आपको अफसोस हो नहीं मैंने कुछ ऐसा नहीं किया और जो भी किया मैं उससे खुश हूँ मैंने सीखा है अपने काम से अच्छा यानी कोई डिजास्टर प्रोजेक्ट आपने नहीं किया आज तक सोच ले आखिरी फैसला है हाँ सब सब अच्छा किया आप पॉलिटिकल सा बयान दे रही है मैंने मेरा काम काम समझकर किया और नहीं, आप देखिए आपने ये नहीं करना मैं ये तो कहूंगी नहीं कि काम बुरा था नहीं काम भी बुरा नहीं था प्रोजेक्ट की बात हो रही है कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत बुरा था और आपने कर लिया और उसके बाद कहा यार ये नहीं करना चाहिए था और वो मिर्ची खाएंगी दिल धक धक कर रहा है और उन्होंने मीठी मिर्च खा ली है और वो खाती चली जा रही है इसकी भी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ और वो खाती चली जा रही है जितनी कम मोटी मिर्च होगी मोटी और कम कलर वाली होगी ना वो नहीं होगी मीठी होगी हमने जानबूझ के मीठी छोटी तीखी होती है ऐसे भी बात नहीं कि मीठी होगी आप चेक करें छोटी तीखी होती है हमने पानी रखा है आपके लिए अच्छा जी तो लड़की ने फैसला किया कि मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगी मैं किसी डायरेक्टर को नाराज नहीं करूंगी लिहाजा मैं मिर्च खा लूंगी तो उन्होंने मिर्च फरमा ली है अब हम चलते अच्छा मैं आपको बता दूं ये आपकी मिर्च जाया हो जाएगी मैं मिर्च नहीं खाऊंगा आप जो पूछेंगे बता दूंगा क्या बात है वेरी गुड यही तो हम चाहते हैं कोई ऐसा वाकया कि जिसके बाद बहुत ही शर्मिंदगी हुई हो यार ये क्या किया मैंने बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जिंदगी में काफी एम्बैरेसिंग जिंदगी है लेकिन कोई बात नहीं इंसान अपनी एम्बैरेसमेंट से सीखता है कोई एक मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट कि यार इसके बाद तो बस खड्डा खोदो अंदर ही चला जाऊं कुछ तो हुआ होगा तैफूर ऐसा नहीं हो सकता मैंने 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 बचपन में छतरी पकड़ के छलांग लगा दी थी छत से पैराशूट समझ के अच्छा फिर हां बड़ा मशहूर वाकया अच्छा फिर तो बस बच गया था मैं घास पे गिरा था लेकिन वो मुझे चोट नहीं लगी थी चोट लेकिन टूटा कुछ नहीं था तो एम्बैरेसमेंट किससे हुई माली से नहीं बस पूरे सारे सारे बहन भाई सब देख रहे थे इंतजार कर रहे थे कि क्या कर रहा है किसी ने नहीं रोका आपको मैं तो पंप किया कि तो ये होता ही पैराशूट है मैं कहा अच्छा तो आप फैमिली में सबसे छोटे हैं या सबसे नहीं नहीं मैं दरमियान में आप दरमियान में समी आपसे छोटे हैं तो समी के साथ आपने मिलके कोई ऐसी एम्बैरेसिंग मोमेंट जिसमें आपने खानदान के सामने नाक कट गई हो आपकी ऐसे कामों में वो साथ देता नहीं है अच्छा वो समी आपका साथ नहीं देते ऐसे कामों में अरे वाह सिबलिंग बॉन्ड काफी स्ट्रांग है देख रहे हैं आपका है ना हां नहीं मैं कर जाता हूं वो नहीं करता ओके वो नहीं करता अच्छा जी ऐसा कोई एक्टर या एक्ट्रेस जिसको आप एज अ डायरेक्टर अपनी फिल्म कभी नहीं देंगी मैंने क्या कहा था अच्छा ये नहीं दूसरी वाली खाए ना ये तो अभी हेलो मीठी वाली चुन ली मैं पतली वाली ढूंढती हूं इसके लिए ठहरे जी ऐसा नहीं होगा हम चीटिंग नहीं करने देंगे लें जी तीखी मिर्च
सोच लो लड़की, ये पूरी खानी पड़ेगी। हाँ ये सही नहीं है। लगेगी बच्चू। सोच ले समय मत सोच ले। कौन सा ऐसा एक्टर एक्ट्रेस है जिसको कभी अपनी फिल्म का प्रोजेक्ट नहीं देगी? यार किसी लड़की का नाम दे दो आपकी तो वैसे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है आजकल? फर्क पड़ता है यार, वो देखिए किसका दिल टूटेगा। हाय अल्लाह, बाद में पैर पकड़ के माफी मांग ले। कहना यार वो शो की मजबूरी थी। नाम ले दो बस एक। कौन है वो लड़की, कौन है वो एक्ट्रेस? मिर्च खा लो। मिर्च हाँ। सामिया भट्ट ने एक आए भाई पूरी खानी है। इतना जुल्म तो मत करें प्लीज। यार देखो मेरी बात सुनो, खानी पड़ेगी ना ऐसे तो मैंने भी तो नौकरी हलाल करनी है। हाँ अच्छा जी, तो ऐसा कोई एक्टर या एक्ट्रेस जिनको आप अपनी फिल्म में कभी डायरेक्ट नहीं करेंगे बताएं, जिसको कभी मतलब मेरे सर पे गन रख दें मैं कभी उसको अपने डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट में नहीं लूंगा बताएं। मोमिना। मोमिना हूँ। इकबाल। मोमिना इकबाल, वो द फेयर गर्ल दाल चावल वाली। मोमिना इकबाल को तैमूर खान अपने डायरेक्टोरियल प्रोजेक्ट में कभी कास्ट नहीं करेंगे, क्यों? मैं कर चुका हूं और बहुत बुरा एक्सपीरियंस। इंडस्ट्री में कोई ऐसा इंसान जिससे बात करना आप कभी पसंद नहीं करती, वहां से आ रहा हो या आ रही हो तो हुक करके उधर उधर चली जाएंगी। ले ले ये। अच्छा वैसे नहीं ये रखने के लिए नहीं, ये तुम्हें खिलाने के लिए है, क्योंकि ये सारी आज तुम ही जाया करके जाओगी। जो मेरी नेचर है ना, मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ, मैं बात नहीं करूँ, मैं किसी को छोड़ूंगी हाँ, नहीं मैं तो बात करूँ भाई। तुम्हारी जरूरत, तुमने ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों किया? मैं ऐसी हुई नहीं कि मैं बात नहीं करूँ, मैं बात करूंगी लेकिन ऐसी बात करूंगी कि लगा के जाऊंगी। तो बताओ ना फिर उसका नाम। हाँ कि कौन है जिसने तुम्हें कांटे की टक्कर दी है, कि जिसने तुम्हें कहो ऐसी की तैसी आ जा। टक्कर की तो कोई नहीं है मेरी। वैसे जो कोशिश करे तो वो इतना कॉन्फिडेंस, मेरा मतलब इतना कॉन्फिडेंस। हाँ वो है कोई, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बोलना चाहती। फिर वही झूठी मिर्च नहीं खाने देंगे हम, ताजा तरीन पेश करेंगे आपको। ले और ये तो खराब भी है, चलो ये वाली नहीं। आहा ये बिल्कुल छोटी, फ्रेश फ्रॉम द फाउंटेन। एक बाइट यू काफी होगी। अरे नहीं ये पूरी बाइट में खत्म करनी है। ओके नाम लड़की, तो खुदा का वास्ते कल सुबह तुम बाथरूम कैसे कहने का मतलब है कि कल सुबह तुम घर कैसे जाओगी? कल सुबह घर नहीं जाना, आज जाना। भाई शूट पे जा रही है ना आगे। लड़की ने पूरी हरी मिर्च खा ली है मगर जवाब नहीं दिया। बहुत पक्की है भाई, तालियां। इतनी मासूम है, अपने लिए ताली भी खुद बजा रही है, वेरी गुड। अच्छा जी, कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसको चाहेंगे कि वो एक्टिंग छोड़ दे, बहुत ही बेकार एक्टिंग करती है, पिछला कोई नाम आप नहीं ले सकते? काफी हैं। मतलब कोई एक टॉप लेवल पे, मतलब टॉप लेवल की तरफ देखे ना, तीन चार पांच लोग हैं उन टॉप लेवल में से, आपके हिसाब से एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, कौन है कि जिसको बिल्कुल काम अपनी दुकान बंद करके घर चले जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई है। नहीं नाम नहीं, नाम होता मैं ऑनेस्टली आपको बता देता। मैं समझती हूँ कि ऐसे कुछ एक्टर्स हैं हमारे यहाँ। नहीं वो आपको ओपिनियन होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारा, आप देखें कि हमारे यहाँ एक्टिंग का आप जो हो रहा है उससे कंपेयर करेंगे ना? हाँ, जो हो रहा है हम हॉलीवुड से तो कंपेयर नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वो तीन औरतें लड़ रही होती हैं हर हर सीन में, तो वो तो कोई भी कर सकता है। हाँ, वो तो हो सकता है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि कोई एक ऐसी एक्टर या ऐसा एक्टर भी, एक्ट्रेस भी, एक्टर भी, कोई जो आपको लगे यार इसको बहुत बेकार है, इसको चले जाना चाहिए, कुछ और कर ले, गाड़ियां धो ले, फर्श धो ले, सोफे धो ले। Honestly, ऐसे इतना बुरा मुझे कोई भी नहीं लगा। Very honest, इतना बुरा मुझे कोई नहीं लगा। यार कोई एक नाम तो दे दो ना, वरना फिर हरी मिर्च खानी पड़ेगी। ये तो हमें थोड़ी सियासी नाम थोड़ी दे सकती हूँ मैं, ऐसे तो नहीं बूटियां नहीं लगवा सकती भाई। खा ले ये आपके हिसाब से ऐसी कौन सी एक्टर या एक्ट्रेस है जिसको धंधा बंद कर देना चाहिए, काम बंद करके घर चले जाना चाहिए, या कोई डिजाइनर की शॉप खोल ले, या कोई ज्वेलरी की शॉप खोल ले, या मतलब लड़की मेरे जेहन में है उसका मुझे नाम नहीं आ रहा।
प्रोजेक्ट का भी नाम नहीं आया, क्योंकि हम रात को आजकल रात को जब हम खाना खाने बैठते हैं तो उस वक्त वो ड्रामा लगा होता है। उस ड्रामे का क्या नाम है, कौन सा नहीं याद मुझे, चैनल बता देता हूँ चैनल, आई थिंक क्योंकि वो मेरे घर में ना सब चलते हैं चैनल बारी बारी, एक एक सीन सबका चलता है। अच्छा। और उसमें यमुना कर रही है, नहीं नहीं यमुना तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है यार, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट। तो फिर बताओ ना, अगर उसका नाम तुम्हें याद है तो उसका भी याद होना चाहिए। तैफूर बुरी का नहीं याद, अच्छी का याद है, क्या करूँ बुरे का क्या याद रखना। एक्सक्यूज मी, मिर्ची खा लें, मिर्ची। अच्छा ये मेरी सिर्फ याददाश्त के चक्कर में खा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रही। कोई बात नहीं, खा लें सब क्लियर ना करें, मिर्ची खाएं, मतलब ये कवर कर रहे हैं। अब आप बताएं, लगी ही नहीं ईमानदारी, ऑनेस्टी। देखा मिर्ची, मिट्टी मिर्च है, शिमला मिर्च। हाँ शिमला मिर्च। अच्छे हैं आप लोग, चॉकलेट मिर्ची रखी हुई है। हाँ रखो रखो रखो। अच्छा आप देखा, साथ ही इतनी 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 मीठी मिर्च है तो पानी क्यों पी रहे हो जी। अच्छा जनाब बताओ जी, कोई ऐसी एक्टर या ऐसा कोई ऐसा एक्टर या ऐसी, लेकिन मेरे शो के एंड तक उसका नाम याद आ गया, बताऊंगा। डन हो गया, फिर ये हरी मिर्च मैं खा लूंगा। अच्छा तो बताओ भाई, जिसको काम बंद करके घर चले जाना चाहिए, या उसको डिजाइनर की या फर्नीचर की दुकान खोल लेनी चाहिए, या कोई टूटियां लगा लेनी चाहिए मगर एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए, वो कौन, जल्दी बता दें। मुझे अपना नहीं पता चल रहा, मैं क्या हेल्प कर दूं। जल्दी जल्दी नाम लेना पड़ेगा लड़की। नाम याद नहीं आ रहा, मतलब सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम। हाँ, बहुत हम ऊपर कवर कर रहे हैं ब्लैंकेट के साथ, मिर्च खा लो फिर लड़की। कोई जवाब नहीं दिया इस लड़की ने। ठहरो मैं अंदर लगने वाली मिर्च निकालती हूँ, ठहर जाओ ये। अच्छा आपने मुझे नाम रिपीट करने से मना किया था। हाँ मैं वरना वही, लेकिन नहीं, नहीं, नहीं ज्यादती हो जाती हो जाएगी, नहीं नहीं आगे भी तो काम नहीं मिलेगा। ठीक है, काम में शी इज गुड, काम में शी इज गुड, बस प्रोफेशनली बहुत बहुत। चलो जी लड़की बताओ नाम, नहीं तो मिर्च खाओ जल्दी से। म्यूजिक टेंशन राइज हो रही है, कोई एक बार जाने भी तो दे। आप एक जवाब दे दे, आप एक बार जवाब दे दे। कोई जवाब ही नहीं दिया तुमने। पूरी 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 जब तक सामिया की हो रही है मिर्चें दूर, तब तक हम ले रहे एक छोटी सी ब्रेक। यू डोंट गो एनीवेयर। मेरे मेहमान मौजूद हैं, हमने साम्या को मिर्चें उनकी दूर करके चाय पिलाई है मीठी मीठी, ताकि उनकी जो मिर्चें हैं दूर हो जाए। और इंतहाई भड़कीला सवाल करने वाली हूं मैं आपसे, जब आप एज अ मॉडलिंग करियर में आपने एंट्रेंस ली, जब आप एक्टिंग में आई, तो ये जो एक काउच कल्चर है उसका आपको कभी फेस करना पड़ा? ठीक बात, आप सवाल अच्छा है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री जैसे हमारी फील्ड है, क्योंकि हम सामने नजर आ रहे होते हैं, कुछ भी हो जाए एक्चुअली वो होता भी नहीं है जो लोग समझ लेते हैं। लेकिन स्ट्रगलिंग वक्त की बात कर रही हूँ, जिस वक्त आप इतना बड़ा नाम नहीं होते, जिस वक्त आपको लोग नहीं जानते, उस वक्त आपको ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा जेस्चर, कोई ऐसा इनवेंडो फेस करना पड़ा हो? बहुत होते हैं, लेकिन हमें इग्नोर करना पड़ता है। इग्नोर तो फिर आगे कैसे बढ़ते हैं? हम वो काम छोड़ देते हैं। वो काम छोड़ देते हैं। लेकिन लोगों से मिलना बात होते हैं जो वो काम कर रहे होते हैं, ऐसा भी तो होता है। बहुत सारे आपको पता भी होगा ऐसे कौन से बहुत सारे लोग। नॉमिनेट नहीं करूंगी किसी को, लेकिन जी न्यू है कि मैं बोलूंगी हमारे का नाम बता दो। हमारे बहुत से डायरेक्टर्स ऐसे हैं, काम उनको नहीं आता, लेकिन वो इस जगह पे बैठे हुए हैं कि जो बात आप करी है। हाँ, बोल दो, मुंह से कुछ नहीं होगा। नहीं मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। नहीं नाम ना लो, लेकिन काउच कल्चर की बात कर रही हूं। ऑफर्स बहुत करते हैं। हाँ ऐसे कर लें तो आपको बजट ये मिल जाएगा, ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, लेकिन मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। ऑब्वियसली हम ये तो कह ही नहीं रहे कि हम तो ये पूछ ही नहीं रहे, मैं ये पूछा कि वो फेस करना पड़ता है। और ये सब फील्ड्स में है, आप exactly. कहीं भी चले जाए exactly. कोई टीचर है, डॉक्टर है, वकील है, कुछ भी, सबको फेस करनी पड़ती है। एक्टिंग के ऊपर ज्यादा इस चीज को हाईलाइट किया जाता है। तैफूर आप तो खुद एक डायरेक्टर हैं, प्रोडक्शन में काम किया है, मॉडलिंग भी किया आपने, सो आपको कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा कि किसी डायरेक्टर ने हिट किया आपके ऊपर के यार? बात ये कि ठंडी आ भर के नहीं, मैं जोश के साथ मतलब, लेकिन फिर सेंसिबली बात ऐसी है कि सेंसिबली करनी पड़ेगी ना आपको, सेंसिटिव है, बच्चे बच्चियां देख रहे हैं सबको। ये कि देखिए
ताली हमेशा दो हाथों से बजती है, डेफिनेटली, ठीक है, या आपकी चॉइस है। इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता कि एक चीज अवेलेबल ही ना हो और वो आप कहें कि इस तरह हो जाती है। वो चीज होती है तो उस तरह होता है, बिल्कुल ठीक है। और ये किसी एक फरीक का इसमें वो बात नहीं होता, वो नहीं होती, हाँ, नहीं होता, नहीं होता, बट जिस तरह इन्होंने बात की कि जिस तरह इधर इधर इस तरह इस साइड से भी होता है तो इस साइड से भी होता है, बिल्कुल दोनों साइड से होता है। आप छोड़ दें, वो जगह छोड़ दें, और ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डायरेक्टर ही कुछ ऐसा कह रहे हो। एक्टर हो सकता है, कोई को एक्टर हो सकता है, कोई ऐसा पावरफुल पोजीशन पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इंडस्ट्री में, और मैं ये कहती हूँ कि लड़कियों, अगर ये बात मैं सेकंड करूंगा, बात आपकी काट रहा हूँ कि ये हर फील्ड में, हर फील्ड में मेरे दोस्त जो है जो और फील्ड में काम करते हैं और वो कोई बैंकर है, कोई अच्छी पोजीशन में कहीं है, बेचारे बैंक वालों का तो ना ही पूछे, हर जगह ये मसला है, ये तो है और ये होता है। अब क्या, और मैं समझती हूँ कि लड़कियों का ज्यादा कसूर होता है। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, नहीं नहीं क्योंकि मेरे पे केस हो जाता है, नहीं आप उनकी बात माने नहीं, इस कह दिया था आप उनकी बात माने नहीं, अगर आप रिजेक्ट करेंगे उनकी दोबारा जरूरत नहीं होगी। अच्छा, तो ये आपको स्टैंड लेना चाहिए, आपके कहने का मतलब है उन लड़कियों का कसूर है जो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती और अपने मॉरल्स पे कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। सारी लड़कियों का कसूर नहीं होता, और हम बिल्कुल विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहे, हम उन लोगों के साथ हैं जिनके साथ ऐसा होता है। अच्छा, बहुत सीरियस बातें हो गई, आ जाए वापस अपने शो के मूड में, और वो ये है कि एक दिन के लिए अगर मैं आपको फलां सेलिब्रिटी बना दूं तो कौन सा ऐसा काम है जो वो करते हैं आप नहीं करेंगे। माहिरा खान, मैंने माना तुम्हारा नाम वट्टे का गोंगलू रख देना। मैं सिगरेट नहीं पीऊंगी। आप सिगरेट नहीं पीऊंगी, ओके, आप बताइए अगर आपको माहिरा खान बना दिया जाए तो आप ऐसा कौन सा काम वो करती हैं जो आप नहीं करेंगे। मैं सिगरेट पीऊंगा। आप सिगरेट, इसका मतलब वो नहीं पीती। नहीं, माहिरा खान को जितना मैं जानता हूँ जो वो करती हैं मेरा ख्याल है कोई एक ऐसा काम मुझसे होना नहीं। जिस तरह वो एक्टिंग करती हैं, क्या बात है, मतलब अंडर आप समझ तो गए होंगे ना। नहीं, मतलब यार obviously मैं कैसे कर सकता हूँ, वो तो मैं very good actress और वो जो स्टाइल है। अब ये सारी ब्लैंकेट चल रही है लड़की से याद रखना। अच्छा जी, नुमान एजाज, हाय, देखिए मुझसे इतने मुश्किल सवाल पूछे, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, थैंक यू। मुझे वो, अब मैं ये कहूंगी बचपन से पसंद है। ऐसा क्या काम है भाई, हो सकता है सिगरेट पीते हो आप, ना पीना चाहें, हो सकता वो तो है। मैंने मायरा के लिए बता दिया ना, तो फिर उनके लिए मतलब आपका इख्तलाफ सिगरेट से है। यार ये मुझे वट्टे का गोंगलू दे दिया, मैं इससे क्या पूछूं, बताओ मतलब ये क्या बात हुई। मैं चाय नहीं पीऊंगी। आप चाय नहीं पियेंगे, तो अभी क्यों पीनी है, तब नहीं पीऊंगी। यानी ये तो ना जवाब देने वाली बात है, मजा नहीं आया। अच्छा जी, फहद मुस्तफा, अगर आप फहद मुस्तफा होते या हैं एक दिन के लिए, तो आप क्या नहीं करेंगे जो वो करते हैं। जी तो पाकिस्तान नहीं करूं, मैं जी तो पाकिस्तान नहीं करूं। अच्छा जी, हुमायूं सईद, अगर आप हुमायूं सईद होंगी तो क्या ऐसा काम है जो आप बिल्कुल नहीं करेंगी। मैं अपनी नेक्स्ट मूवी में महवी शहजाद को नहीं लूंगी। तो क्या सामिया बच को लेंगी? यस। अच्छा, ये तो फिर बायस बात होगी ना, सीरियस वाला बताओ। ऐसी क्या बात हो सकती है वैसे? यार ऐसी क्या, मुझे मेरा इंटरव्यू हो रहा है, यार तुम्हारी बात हो रही है, तुम बताओ अपनी, अपना भेजा कहीं छोड़ के। आपने कहा कि अगर आप हमारी से दूंगी तो ऐसा क्या काम करेंगी जो वो करते हैं। हाँ, तो उनकी ऑलमोस्ट हर मूवी में महवी शहजाद होती हैं। अच्छा, तो फिल्मों से ही आपका ताल्लुक है उनके साथ, मतलब अदरवाइज आप उनको इंसान नहीं समझती, वो सिर्फ फिल्म है। इतना करीब से मैं उनको जानती नहीं हूं। यार इतना करीब से कितना करीब होना चाहती हैं आप इनके? आपको पता चले कि उसमें क्या अच्छी आदत है, बुरी आदत है, क्या है, क्या एक सेलिब्रिटी पब्लिक फिगर, उसने पूरी जिंदगी काम किया और सब कुछ अच्छा है, उनमें ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं करूंगी। अच्छा यार, ये तो आगे से बहस करती हूँ, जवाब भी नहीं देती। अच्छा आप बताएंगे, अगर आप हुमायूं सईद होते तो ऐसा कौन सा काम है महवी शहजाद के अलावा जो आप ना करते? मेरा मतलब नहीं, महवी शहजाद से मुझे इतराज़ नहीं है, मैं वो भी करता। इनके कहने का मतलब ये है, ये फैमिली शो है, उनके कहने का मतलब ये है कि महवी शहजाद को कास्ट करते। हाँ वही, मतलब पूरी बात करो ते, मतलब वो, हाँ मतलब क्या। अच्छा मैं एक बात बताऊँ आपको, हुमायूं भाई के साथ काम नहीं किया लेकिन ट्रैवल किया उनके साथ। अच्छा ठीक है। कुछ एक हमारा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग थी, थाईलैंड में हम शो कर रहे थे तो ही केम एज अ जज। थाईलैंड आपका फेवरेट है, दूसरा होम टाउन तो नहीं है? है नहीं, इतने पैसे काश मेरे पास होते तो मैं वहाँ एक अपार्टमेंट लेता, बीच पे एक हट लेता, लेकिन इतने अभी हैं नहीं। मतलब आप ऐसे जैसे आंख झपकते साथ ही थाईलैंड पहुंच जाते हैं, मतलब उसका पूछना पड़ेगा भाई क्या है। अच्छा आप बताएं, आप ट्रैवल कर रहे थे इंटरनेशनल। अच्छा, वहाँ तो उनके साथ उठना बैठना हुआ, दो तीन दिन घूमे फिरे साथ, हम ट्रैवल किया,
आई डोंट थिंक कि हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में या पूरी इंडस्ट्री में उनसे इंटेलिजेंट आदमी कोई है। ओके, आई एग्री, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। अच्छा, हमने उनकी कद-कद बहुत बढ़ा दिया है, पहले ही बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा। हमने सवाल ये किया था, ऐसा क्या है जो आप नहीं करेंगे? यार ये एक्टर लोग के पास भी कोई जवाब नहीं है, इतनी फुटेज खाते हैं। इसका 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 जवाब कोई जवाब ही नहीं है। ऑनेस्टली ऑनेस्टली जितना तरीके से मैं जानता हूँ, मैं तो पर्सनली जानता हूँ, लेकिन जो जो वो कर रहे हैं मैं वो जरूर करता हूँ। कमर्शियल नंबर किया था फिल्म में वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करेंगे। अगर आप सदफ कमल होते, मैं अच्छा भी नहीं लगूंगा ना करता हुआ। आप सदफ कमल हैं, मैं वो नहीं करूंगा। आपने लहंगा पहन लिया लेकिन आप तैफूरी हैं अभी तक, आप सोचेंगे आप सदफ कमल हैं? नहीं, वो मैं नहीं करूंगा। वो आप नहीं करेंगे, आप बताएं जी सदफ कमल होते अगर आप, आप मैं एक्टिंग नहीं करती। एक्टिंग यही सारा बस का कहना है, पहला जवाब है। आहा, क्या बात है, स्टैंडिंग ओवेशन होनी चाहिए सचिन के लिए कि पहली बार जवाब दिया है कि अगर सदफ कमल होती मैं तो मैं एक्टिंग ही ना करती। वाह क्या बात है, ये मिर्च खाने से पहले ही बोल देती, मैंने वहां भी कहा था। अब लड़की सोच रही है और हम सोचते सोचते जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना, वी आर कमिंग बैक इन चॉकलेट टाइम्स। कैसी बॉन्डिंग है आपकी और आपकी, पहले आपसे पूछूंगी। बहुत अच्छी है मेरी बहन के साथ, मेरी बहुत अच्छी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मेरे भाइयों से भी डांट पड़ी है एक्टिंग में आने की। भाइयों से इख्तलाफ यही रहा है,
क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं काम करूं। अच्छा तुम क्या चाहते थे, क्या करें? घर पे रहो, शादी करके अपने घर जाओ बस। तो अच्छा शादी से तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना आपको? इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज से कोई? तो फिर समझा देते थे काम नहीं करो। अच्छा बहुत अरसा मैं घर से बाहर रही अकेले। अच्छा मैंने काम के लिए, लोग किसी के साथ भागते हैं, मैं काम के लिए घर से भाग गई। अरे वाह, काम के लिए लोग लोगों के साथ भागते हैं, ये काम के साथ भाग गई। अच्छा मेरे साथ कोई भागा ही नहीं, ना काम ना कोई और। अगर कोई भागता तो I was too lazy to run away. सारा मेक नोट्स प्लीज। अच्छा जी, तो आपकी बहन भाइयों के साथ, यानी बहनों के साथ, आपकी बहन के साथ ज्यादा? बहन के साथ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बॉन्ड। भाइयों के साथ थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन प्यार तो ऑफ कोर्स होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन भाई है तो वो उन्होंने बंदूकें तो नहीं निकालता ना, हम ऐसा तो नहीं है ऐसे। अच्छा जनाब आप बताएं, समी आपके साथ इसी फील्ड में है और कैसी बॉन्डिंग है आप लोगों की बाकी भाइयों के साथ? बहुत सी बॉन्डिंग है, बहुत सी बॉन्डिंग है। बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह हम इकट्ठे रहते हैं, जब भी होते हैं इकट्ठे रहते हैं, पेरेंट्स के घर में ही रहते हैं हम लोग। अच्छा ज्यादातर तो वो तो कराची में, वो अब मैं भी कराची में था ज्यादा, तो हम मूव करते थे, लेकिन बेसिकली हमारा घर एक ही है जहाँ हम सब रहते हैं। लेकिन काम के लिए कहीं जाना पड़ जाए उन्हें वो अलग बात है। और बड़ा भाई तो हमारा जो है वो मेरा ख्याल है 12th में वो चला गया था बाहर। अच्छा उसके बाद वहीं पे है, तो है हमारी बॉन्डिंग सबकी आपस में अच्छी है। अच्छा, लेकिन जो, जो सेलिब्रिटीज की आपस में राइवलरीज होती हैं उस तरह की कोई नहीं है यार, कम ऑन। यानी होता है ना एक ही फील्ड तो में मेरी किसी के साथ नहीं है तो भाई के साथ कैसे होगी? सही बात है, ये तो बात आपने बहुत अच्छी की। हर इंसान, हर ये वो सवाल है जो लोगों के दिलों में है लेकिन वो पूछते नहीं। हर इंसान अपना रिस्क, अपनी शोहरत, अपनी इज्जत लेके आता है, उसका किसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और मैं आप मजाक समझेंगे, मैं किसी को अपना कंपटीशन ही नहीं समझता। अरे वाह, बेस्ट बात है, ये बेस्ट चीज है कि आप अपने आप को ही अपना कंपटीटर समझें। जब आप किसी से कंपीट करते हैं तो बेसिकली आप अपने आप को नीचे लेके आ रहे होते हैं कि मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता। ओ वाह, अल्लाह ने पता नहीं आपको क्या क्या दिया हुआ, आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। एग्जैक्टली, तो आप खुद को कभी किसी और से कंपेयर ना करें। अच्छा मेरा तो प्रॉब्लम ये था, मैं आप शेयर कर दूं, मेरा कभी, मैं तो क्लास में किसी से कंपीट नहीं करता था। अरे वाह, क्या बात है, ये भी अच्छा, क्लास में भी किसी से कभी नहीं कंपीट। तो क्या पोजीशन आती थी क्लास में फिर? आखिरी 2-3 में होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी 2-3 में रहते थे। अच्छा चलिए आप बताएं, पढ़ाई में कितनी अच्छी थी आप? एवरेज थी, बहुत शौक नहीं था पढ़ने का, पढ़ाई का शौक नहीं था, एक्टिंग का शौक था। लेकिन सवालों के जवाब नहीं देती, ये हमें आपसे गिला और शिकवा है। अच्छा जी रैपिड फायर करेंगे आपके साथ, अब सिंगिंग या एक्टिंग, तैफूर ऑप्शन दीजिए। हाँ, रैपिड फायर है ना, सिंगिंग या, जल्दी जवाब देना है। बेसिकली तीनों में से जवाब नहीं, बेसिकली अगर होगा तो म्यूजिक होगा। म्यूजिक होगा, सो सिंगिंग। ओके, राइटिंग या डायरेक्शन? मुश्किल सवाल है, जल्दी जल्दी जल्दी। डायरेक्शन, डायरेक्शन। ओके, रूट्स जाना या मना लेना? खामोश हो जाना। खामोश हो जाना, ओके। ब्रांड ऑब्सेस्ड या कुछ भी चलेगा, लंडे का भी पहन लूंगा? कोई चक्कर ही नहीं ब्रांड का, ब्रांड का कोई चक्कर जिंदगी में, ब्रांड नाम की कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे वाह क्या बात है, दिखावा या सादगी? इंतहा की सादगी, इंतहा की सादगी। घर का खाना या बाहर का खाना? घर का खाना। खुद पकाना या बीवी का पकाना? मैं पकाता हूँ खुद, बेबी नहीं पकाती, बेगम को पकाती। मैं पका लेता हूँ खाना, बेगम को इतना ज्यादा नहीं आता। इमोशंस एक्सप्रेस करना या छुपा लेना? छुपा लेना, लेकिन जब बस हो जाती है तो फिर सबको पता चल जाता है क्या इमोशन था। ठाट ठाट ठाट। एक आती है जगह। अच्छा ठीक है, अब फिट रहना या जैसे हैं वैसे ही ठीक है? नहीं नहीं, फिटनेस बहुत जरूरी है भाई। ओके, सैड सॉन्ग्स या गजलें? बोथ, सैड सॉन्ग्स, गजल। अच्छा Sad songs. Sad songs. सूरत या सीरत? दोनों के बगैर गुजारा नहीं है भाई। हाँ, लेकिन सीरत, फर्स्ट चॉइस सीरत चल जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब पसंद करते हैं तो पहले सिर्फ सूरत ही नहीं, लड़की देखने जा रहे हैं जी, लड़की देखने तो सूरत ही देखने जा रहे हैं ना, सीरत तो पहले भाई मैं तो देखने गया नहीं तो मुझे पता नहीं इस बारे में। हाँ, इनकी लव मैरिज थी, ये आप लोगों को नहीं पता, मैं बता देती हूँ। तो जी अच्छा, आप मेरी वाइफ की दोस्त हैं तो सारे राज ना खुले। कॉलेज में इकट्ठे थे डेफिनेटली, और मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। खैर अच्छा जी, और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा जी, टीवी सीरियल या फिल्म? फिल्म, फिल्म। एनी टाइम, एनी टाइम। ओके, शायरी से कोई शगफ है? बेतहाशा। ओके, शायरी या मौसीकी? मौसीकी, मौसीकी। हर चीज में मौसीकी आपने सिलेक्ट की है, तो फिर गाना गाने में इतनी फुटेज क्यों ले रहे थे ये बताएं? वो असल में मैंने कभी गाना ना गाना चाहा है ना गाना सीखा है, मैं एक म्यूजिशियन हूं। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं अच्छा गाता हूं। आप इतने पैशनेट हैं तो फिर आपको
जितने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है सब बजाता हूँ। अरे वाह, कीबोर्ड ड्रम से लेकर छुट्टी तुम सबकी रोल है। अकेले नहीं बजा सकता, तो चाहिए होंगे ना, अगर सीक्वेंस करना है तो मैं सब बजा लेता हूं। सही, सही, सही। और मैंने बड़ा प्रोफेशनली काम भी किया, लेकिन मैं जिस दौर की बात कर रहा हूं उस वक्त उस दौर में हमारे हमारे उसमें म्यूजिक मतलब म्यूजिशियन की कोई एज सच उस तरह से वैल्यू नहीं थी। जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में कोई रहमान नहीं है, ठीक है, हालांकि उससे बहुत टैलेंटेड लोग हैं। मैं नाम लूंगा साहिर अली बग्गा का, मतलब वो मैं उसको उनको 20 साल से जानता हूँ, उसी लेवल के म्यूजिशियन है वो, बट उनको भी गाना गाना पड़ा वहां तक आने के लिए, वहां तक आने के लिए गाना गा। आप अगर उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो पाकिस्तान में जितनी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं तो उनको बनाने में उनका हाथ है। अच्छा जी, हम बाकी का रैपिड फायर करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। रह गया था इसलिए हमने सोचा कि पूछ ही लें पैसा के प्यार। पैसा, अच्छा पैसे और प्यार में से पैसा चूज कर लिया, तो पैसा और काम, तो उसमें से क्या चूज करेंगे? कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि हमें काम देखना पड़ता है, वहां हमें पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो क्या होगा वो? पैसा के काम? ऑफ कोर्स काम, ऑफ कोर्स काम, काम यदि काम होगा तो पैसा झक मार के आ जाएगा। अच्छा जी, डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक टीवी जी, फिल्म यस, नॉट सोशल मीडिया? आप एक्टिव नहीं है इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक? मैं हूँ, लेकिन मुझे अपने काम से ज्यादा कि जो मैं अपना काम टीवी पे कर रही हूँ वो मैं दिखाऊं। लोग नहीं पूछते इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मेरे बहुत कम है, इसीलिए तो मैंने बोल दिया ना। तैफूर, चले ये सवाल रैपिड फायर में था, आपसे भी पूछ लेती हूँ कि व्हाट डू यू प्रेफर, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, उसका जरा करिश्मा ही हुआ है। सिनेमा या नेटफ्लिक्स? सिनेमा होना चाहिए क्योंकि हम मिस करते हैं। एलाबोरेट नहीं करना। सिनेमा, सिनेमा। ओके, विंटर्स या समर्स? विंटर। विंटर्स, हाई फाइव, मे बी विंटर्स। ओके, बारिश या गर्मी? बारिश, बारिश। ओके, अच्छा लिखना या अच्छा बोलना? अच्छा लिखना। अच्छा लिखना, तो आप लिखती हैं? मैं लिखती हूँ, लेकिन वो मैं बस अपने लिए लिखती हूँ, मैं दिखाया नहीं कभी किसी को। ओके, ब्राइट कलर्स या लाइट कलर्स? डिपेंड्स ऑन मूड, लेकिन अभी आपने कहा है एक, तो फिर लाइट। लाइट। जिद करना या मान जाना? पहले जिद करना, बाद में मान जाना। ये क्या बात, मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दी से मान जाओ, मैं जिद्दी हूँ। जिद, ओके, जिद हो गया। स्ट्रॉन्ग पर्सन या सेंसिटिव पर्सन? स्ट्रॉन्ग। आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन। गुड, वेल डन। अच्छा जी, पांच ऐसी सब्जियां जो लाल हैं? टमाटर, गाजर, टमाटर, गाजर, फिर टमाटर, फिर गाजर, फिर टमाटर, कोई नई चीज आई है? फिर टमाटर, फिर गाजर, टमाटर, गाजर, बोलो तुम भी। नहीं, वो नहीं बोल रही, आप बोले। टमाटर, गाजर, लाल मिर्च, लाल धनिया। लाल धनिया कौन सा होता है? लाल धनिया कौन सा? लाल धनिया। अरे वाह, क्या बात है, लाल धनिया। लाल मूली होती है? लाल मूली होती है जी। लाल मूली, पांच हो गए। लाल शिमला मिर्च होती है? लाल शिमला मिर्च, लाल गाजर। मैंने बूटी लगवा दी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पांच लाल फ्रूट्स के नाम दें। चाइनीज, वो जो होता है जापानीज फल, जापानीज फ्रूट, ड्रैगन फल, चेरी। चेरी लाल तो नहीं होती? स्ट्रॉबेरी। हां, स्ट्रॉबेरी, चेरी कह रहा था। तुम बूटी मत लगवाओ। अच्छा, और फल 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 फल, तरबूज अंदर से लाल, अंदर से लाल, चढ़ापन लाल है। हो गए, चलो दे देते हैं आपको। कुकिंग में यूज होने वाले पांच मसाले आपने अब नहीं बताना। ओके, मैं क्यों बताऊं? आपको मैं पनिशमेंट दूंगी, मुंह दूसरी तरफ कर ले फिर। हाँ जी,
मसालों के नाम बताना जी, मसाले दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, खुश धनिया वो मैंने अभी बोला था, हाँ खुश धनिया और अच्छा काली मिर्च, नहीं काली मिर्च सौदा लिख रही है, काली मिर्च लौंग दालचीनी, आप कंफ्यूज कर रही हैं ना, आपको गर्मी बहुत है आज, हाँ तो गरम मसाला अभी भी इतना सोच के चार हुए, पांचवा फिर भी रह गया, जल्दी से बताओ जीरा एक तो मेरे अपने ही जो है ना वो पत्ते हवा देने लगे, उसने जीरा वालों से पैसे लिए, मैंने जीरा वालों से पैसे लिए हैं। अच्छा चले आप पांच मसालों के नाम बता दें। मैं तो बता तो दिया, उसको आपने बता दिए, सही है। अच्छा गरम मसाला, लाल मिर्च, हाँ नमक दालचीनी, काली मिर्च उसने बोली, काली मिर्च भी उसने बोली है, लाल मिर्च, यार इतने मसाले हैं, कोई तुम लोगों को मसालों के नाम, हल्दी, हाँ हल्दी, ओके तीन हो गए, अदरक मसाले, सब्जी है, अच्छा नहीं अदरक मसाले, नहीं मसाला नहीं है, तो वो बना होता है पेस्ट, वो होता है वो पेस्ट भी मसाला नहीं होता है, और जीरा उसने भी बताया, चलो आपको दे दिया, लौंग हो गया, अजवाइन, अच्छा अपनी दफा याद नहीं आ रहा था, अब इसको नाम याद आ रहे हैं मसाले के, मेरे हो गए, भूल गया, मेरे हो गए, पांच पूरे नहीं हुए, चार हुए, अच्छा अभी भी एक रहता है, अब ना बोला, ओके वो काली काली छोटी छोटी चीज होती है, कलवंजी, आहा देखिए मैंने इवेंचुअली बूटी लगवा दी है इनको। अच्छा जी दर्जी के पास होने वाली इस्तेमाल पांच ऐसी चीजों के नाम लें जो आपको पता हो। इंच टेप नलकी धागा, इंच टेप के बाद सीधी आई नलकी और मशीन, हाँ नहीं और हेलो मशीन के अलावा जो चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, और कपड़े, सुई, धागा, पांच हो गए, एक रह गया, मशीन रह गई, मशीन क्या था ना तो प्रेस भी, प्रेस क्या होता है, आयरन, हाँ आयरन। पांच ड्रामों के नाम जो तुम्हें याद हो, सबसे बड़ा सवाल ये, हाँ पांच अपने डायरेक्टोरियल ड्रामों का नाम बता दो। हाँ वो याद है मुझे क्योंकि रिसेंट है, बेवजह शहर, तू जिंदगी है इश्क तेरा और एक अंडर प्रोसेसर, नहीं वो तो सीरीज है, वो हाँ, नहीं तो है तो नाम ले लो ना, टीम भी ओके चलो आ गए याद पांच नाम, अपने पांच सीरियल्स के नाम ले लो। इंतहाइश, हासिल राज और इनकार हम कथा और अब्बा ईटीवी, ओके हासिल, अच्छा मैंने भी कोई ऐसा किया हुआ है। आप दोनों ने ही शायरी का नाम लिया था तो शायरी ही कुछ हो जाए, थोड़ी सी तैफूर अगर आपने खुद लिखी है तो कोई सुना दें या किसी और की सुना दें, जैसे भी आप बेहतर समझें। चलें वो जो मैं सुनाना चाह रहा था वो मेरा थोड़ा शकील हो जाएगा और कहीं और निकल जाएगा, मैं हल्का सा, आप जो सुना हल्का हल्का सुना दें, खरी खरी मत सुनाइएगा, बाकी जो मर्जी करें। क्यों सफीना जिंदगी मुश्किल बनाए बैठा, आहा क्यों सफीना जिंदगी मुश्किल बनाए बैठा, शहनशाह से हिसाब किताब लगाए बैठा, वाह 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 वाह, क्यों सफीना जिंदगी मुश्किल बनाए बैठा, शहनशाह से हिसाब किताब लगाए बैठा, क्या बनेगा तेरे खातों का इंसान, क्या बनेगा तेरे खातों का ए इंसान, वाह घर बख्शते शैतान को रहमान, हाय हाय बात है, वाह वाह वाह, घर बख्शते शैतान को ही रहमान, क्या बात है। अब आपकी बारी है, ये आपकी अपनी लिखी हुई है, वेरी नाइस, क्या बात है, यू शुड डू दैट मोर। हल्का सा सुना देते हैं जिसमें सख्त है, तेरे झूठ को सच ना माना तो टूट जाएगा तू, तेरे झूठ को सच ना माना तो टूट जाएगा तू, वाह तेरे झूठ को सच ना माना तो टूट जाएगा तू, तुझसे ज्यादा अजीज नहीं मुझे सच मेरा, आहा तुझसे ज्यादा अजीज नहीं मुझे सच मेरा, वाह 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 वाह, ये क्या खूबसूरत थॉट है पीछे इसके। जी जनाब, इश्क कामिल वो जो एक तरफा हो, इश्क कामिल वो जो एक तरफा हो, वाह वरना मोहब्बत से मोहब्बत तो सभी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो, और आप सबसे मुलाकात होगी जल्द, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड फॉर अ न्यू एपिसोड ऑफ द चॉकलेट टाइम्स।